Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. We have already started a lesson, Social Change and Development in India. Okay, under this, we are reading the lesson Change and Development in Rural Society. इसके अंदर हम लेसन जो कर रहे हैं वो है Change and Development in Rural Society. तो आज हम उसके ग्रीन रेवोल्यूशन एंड इट्स सोशल कॉन्सिक्वेंसेस, उसके जो रिजल्ट्स थे वो क्या निकले उसके बारे में हम रीड करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट इट. वी सॉ दैट लैंड रिफॉर्म्स हैव ओनली अ लिमिटेड इम्पैक्ट ऑन रूरल सोसाइटी एंड द एग्रेरियन स्ट्रक्चर इन मोस्ट रीजन्स. कि जो लैंड रिफॉर्म्स हैं, जो लॉज वगैरह बनाए गए थे, उसका बहुत ही कम असर हुआ था सोसाइटी के ऊपर. In contrast, the Green Revolution of the 1960s and 70s brought about significant changes in the areas where it took place. ठीक है, लैंड रिफॉर्म्स जो थे उन वो तो कम फ़ायदेमंद हुए, लेकिन जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ 1960-17 में, इससे बहुत ज़्यादा चेंजेस आए. द ग्रीन रेवोल्यूशन एज यू नो वॉज अ गवर्नमेंट प्रोग्राम ऑफ एग्रीकल्चरल मॉडर्नाइजेशन. इट वॉज लार्जली फंडेड बाई इंटरनेशनल एजेंसीज दैट वॉज बेस्ड ऑन प्रोवाइडिंग हाई यील्ड वैरायटी ऑफ हाइब्रिड सीड्स अलॉन्ग विद पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर्स एंड अदर इनपुट्स टू फार्मर्स. ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन कब आया था, कि जो गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम था, किसका, एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइजेशन करने का. ठीक है, न्यू टेक्निक्स के हिसाब से, जिसमें हाई यील्ड वैरायटी के सीड्स दिए गए थे, पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स वगैरह दिए गए थे फार्मर्स को. ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन प्रोग्राम्स वर इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन एरियाज दैट हैड अश्योर्ड इरीगेशन बिकॉज सफिशेंट वाटर वॉज नेसेसरी फॉर द न्यू सीड्स एंड मेथड्स ऑफ कल्टिवेशन. तो ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन प्रोग्राम है वो कौन से एरियाज़ में स्टार्ट किया गया था, जहाँ पे हमें उम्मीद थी कि इरीगेशन प्रॉपर है, क्योंकि इनके लिए पानी की ज़रूरत होती थी ज़्यादा कल्टिवेशन के लिए. ठीक है, इट वॉज ऑल्सो टारगेटेड मेनली एट द वीट एंड राइस ग्रोइंग एरिया. सबसे ज़्यादा कौन से एरियाज़ में हुआ था, जहाँ पर वीट और राइस को किया. एज अ रिजल्ट ओनली सर्टेन रीजन सच एज पंजाब, वेस्टर्न यूपी, कोस्टल आंध्र प्रदेश एंड पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु रिसीव द फर्स्ट वेव ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन पैकेज. ठीक है, क्योंकि कुछ ही एरियाज़ में ये स्टार्ट किया गया. कौन से एरियाज़ में स्टार्ट किया गया था, जहाँ पे वीट और राइस ग्रो किया जा सकता है. ठीक है, तो इसलिए पंजाब, वेस्टर्न यूपी, कोस्टल आंध्र प्रदेश, इन सारे एरियाज़ में ही ग्रीन रेवोल्यूशन आया सबसे पहले. The rapid social and economic transformations that were seen in these areas stimulated a spate of studies of social scientists and vigorous debates about the impact of the Green Revolution. जो इन areas में जो Green Revolution आई, उससे क्या हुआ, social और economic transformation आया, बदलाव आया बहुत ज़्यादा, बहुत rapidly बदलाव आया, जिससे कि जो जो साइंटिस्ट, सोशल साइंटिस्ट थे, उन्होंने स्टडी की इनके बारे में. स्पैट ऑफ स्टडीज मीन्स अ लॉट ऑफ स्टडी. ठीक है, और काफ़ी सारे डिबेट्स किए कि किस तरीके से इसका क्या असर हुआ. कोई कहते थे मतलब कि पॉजिटिव होंगे, कोई कहते थे नेगेटिव होंगे. एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज शार्पली बिकॉज ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी. ठीक है, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी थी उसके बढ़ने का कारण क्या था, जो न्यू टेक्नोलॉजी सरकार ने शुरू की थी. इंडिया वॉज क्या थी, कि ये हाई यील्ड जो बीज थे वो, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें. इंडिया वॉज एबल टू बिकम सेल्फ सफिशियंट इन फूड ग्रेन एंड प्रोडक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिकेट्स. क्योंकि हमने पहले कहा था कि इम्पोर्ट करते थे इंडिया वाले, ठीक है, फूड ग्रेन्स, लेकिन अब क्या था, सेल्फ सफिशियंट, खुद ग्रो करने लगे थे प्रॉपर और एक्सपोर्ट भी करने लगे थे. द ग्रीन रेवोल्यूशन हैज़ बीन कंसिडर्ड अ मेजर अचीवमेंट ऑफ द गवर्नमेंट एंड ऑफ द साइंटिस्ट हु कंट्रीब्यूटेड टू द एफर्ट. हाउएवर देयर वर सर्टेन नेगेटिव सोशल इफेक्ट्स दैट वर पॉइंटेड आउट बाय द सोशियोलॉजिस्ट हु स्टडीड द ग्रीन रेवोल्यूशन एरियाज एज वेल एज एडवर्स एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स. ठीक है, मतलब कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसे बहुत बड़ी अचीवमेंट माना जाता था सरकार की, और साइंटिस्ट भी यही मानते थे कि ये कहा जाता था कि ये साइंटिस्ट और गवर्नमेंट की क्या है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है. लेकिन जो सोशियोलॉजिस्ट हैं और इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, जो एनवायरनमेंट की स्टडी करते हैं, और जो सोशियोलॉजिस्ट हैं,
उन्होंने ये क्या बताया कि इसके कुछ एडवर्स इफेक्ट भी थे, यानी कि ऑपोजिट इफेक्ट भी थे। ठीक है, इन मोस्ट ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन एरियाज इट वॉज प्राइमरी द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हु वर एबल टू बेनिफिट फ्रॉम द न्यू टेक्नोलॉजी। ठीक है, जो मोस्टली ग्रीन रेवोल्यूशन एरियाज थे वहाँ पे ये प्राइमरी मीडियम प्राइमरी था। ठीक है, इट वॉज प्राइमरी द मीडियम एंड द लार्ज फार्मर्स, सिर्फ मेनली जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स थे उनको ही इस टेक्निक से बेनिफिट हुआ था। ठीक है, और सबको नहीं हुआ था। दिस वॉज बिकॉज इनपुट्स वर एक्सपेंसिव, क्योंकि जो इसके लिए इनपुट्स लगते थे, यानी कि फसलों के लिए बीज वगैरह, ठीक है, फर्टिलाइजर्स, ये सारी चीज़ें क्या होती थी, बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं। ठीक है, एंड स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स कुड नॉट एफोर्ड टू स्पेंड एज मच एज लार्ज फार्मर्स टू परचेज दिस इनपुट्स। ठीक है, भी छोटे किसान जो हैं वो इतना पैसा नहीं लगा सकते थे इन सामानों को, इन ऐसे ये जो हाई यील्ड वैरायटी के भी सीड्स हैं, वो फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स को खरीदने के लिए वो इतना पैसा नहीं लगा सकते थे, लेकिन लार्ज फार्मर्स जो थे, जो बड़े बड़े फार्मर्स थे, वो लगा सकते थे। व्हेन एग्रीकल्चरिस्ट प्रोड्यूस प्राइमरी फॉर देमसेल्व्स एंड आर अनेबल टू प्रोड्यूस फॉर द मार्केट इट इज़ नोन एज सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर एंड दे आर यूजुअली टर्म्ड एज पीजेंट। जब किसान जो एग्रीकल्चर करते हैं, एग्रीकल्चर के काम में लगे हुए हैं, वो अगर सिर्फ अपनी फैमिली के लिए ही अनाज बो सकते हैं, इतना ही अनाज बो सकते हैं जिसको मार्केट में ना बेच सके, सिर्फ अपने लिए ही सफिशिएंट हो, उसको बोलते हैं सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। ऐसे एग्रीकल्चर को क्या बोलते हैं, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। और ऐसे लोगों को, ऐसे किसानों को क्या बोलते हैं, पेजेंट्स। ठीक है, एग्रीकल्चरिस्ट और फार्मर्स आर दोज हु आर एबल टू प्रोड्यूस सरप्लस ओवर एंड अबव द नीड्स ऑफ द फैमिली एंड सो आर लिंक्ड टू द मार्केट। ठीक है, और वो फार्मर्स जो कि ज़रूरत से ज़्यादा यानी सरप्लस में एक्स्ट्रा, ठीक है, प्रोड्यूस करते हैं, जो कि अपनी फैमिली की नीड से काफ़ी ज़्यादा हो, ठीक है, इसलिए फिर वो क्या है, मार्केट में बेच सकते हैं, तो मार्केट से लिंक्ड हो जाते हैं। इट वॉज द फार्मर्स हु वर एबल टू प्रोड्यूस अ सरप्लस फॉर द मार्केट हु वर एबल टू रीप द मोस्ट बेनिफिट्स फ्रॉम द ग्रीन रेवोल्यूशन एंड फ्रॉम द कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर दैट फॉलोड। वो फार्मर्स जो कि सरप्लस में उगाते हैं जो फसल वगैरह, ठीक है, उनको ही ग्रीन रेवोल्यूशन का बेनिफिट हुआ। और जब एग्रीकल्चर कमर्शियलाइज हुई, जैसे मतलब कि पैसे वगैरह कमाना जिससे हम कमा सकते हैं, तो इनका जो बेनिफिट है वो किनको मिला, लार्ज फार्मर्स को मिला। लार्ज फार्मर्स को क्यों मिला, क्योंकि वो इतना ज़्यादा इतना ज़्यादा फसल उगा सके। पहली फर्स्ट स्टेप क्या था कि वो पैसा लगा सकते, देखो स्पेंड मनी, स्पेंड मनी, ठीक है, पहला तो ये है कि वो मनी स्पेंड कर सकते थे, ठीक है, किसके लिए, ये न्यू सीड्स वगैरह खरीदने के लिए। सेकंड क्या है, सरप्लस में जो है प्रोडक्शन, इसीलिए उनको ही ये बेनिफिट होता था, कि इनको लार्ज फार्मर्स को। ठीक है, दैट मच इज़ फॉर टुडे, वी विल कंटिन्यू ग्रीन रेवोल्यूशन टुमारो इन आर नेक्स्ट वीडियो। बाय स्टूडेंट्स।